राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2019 में जो यात्री वाहनों के करों में जो बढ़ोतरी की गई है वो बिल्कुल अव्यवहारिक, असैद्धांतिक और न्यायोचित नहीं है। जिन वाहनों का कर पूर्व में ही अधिक था उन वाहनों पर और 600% की वृद्धि कर दी है। ये वृद्धि एकदम इस वाहन चलाने वालों के लिए बहुत बड़ा कारण बन गई है कि वो यात्री वाहनों का संचालन करें, इसका भार भी सामान्य जनता पर पड़ेगा और साथ ही मोटर मालिक जो है वो किस प्रकार से इन वाहनों के करों को चुकाएंगे ये पता नहीं चल रहा है। तो हम आज निवेदन करने आए मुख्यमंत्री महोदय से कि इस प्रकार के जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो करों की वृद्धि की गई है उसे पुनः वापस लिया जाए या उन पर पुनः विचार कर उनके ऊपर वापस पुनः विचार कर उसका निराकरण किया जाए। नवीन सोगानी, अध्यक्ष, अजमेर रीजन प्राइवेट बस एसोसिएशन।